मैन ऑफ द मैच बनने के बाद सूर्य कुमार यादव ने बुमराह के लिए ऐसा कुछ किया जिसे सुनकर आप सभी सूर्य कुमार यादव को सलाम करोगे। जी हाँ, आज अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़े ही आसानी से इस मैच को अपने नाम कर लिया, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया और बुमराह पर चौंकाने वाला बयान दिया। तो क्या है पूरा मामला, आपको हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हो कि इस साल जसप्रीत बुमराह हमें वर्ल्ड कप जरूर दिलाएंगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज सुपर 8 का तीसरा मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जहां भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला शुरुआत में भारत को नुकसानदायी रही, जहां खुद कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 13 गेंदों में सिर्फ 8 रन ही बनाकर चलते बने। इसके बाद विराट कोहली और खास करके ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन पंत और कोहली भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। जहां पंत ने 20 रन बनाए तो वहीं कोहली ने 24। भारत इस वक्त काफी दबाव में थी क्योंकि सिर्फ 62 के स्कोर पर टीम ने 3 विकेट गवा दिए थे, लेकिन इसके बाद जब सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए उन्होंने मैच ही पलट दिया। लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए सूर्य अफगानिस्तान के गेंदबाजों को खूब धो रहे थे। हार्दिक पांड्या ने सूर्य का अच्छा साथ दिया। एक तरफ सूर्य चौको और छक्कों की बारिश कर रहे थे तो वही हार्दिक पांडे सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य की तेरेपन और हार्दिक पांडे की 32 रनों की पारी से भारत 181 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। अफगानिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करने के लिए तेज शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन बुमराह के आगे उसके ओपनर्स की एक न चली। बुमराह ने टीम के बेस्ट बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को अपने पहले ओवर में ही निपटा दिया। इसके बाद अक्षर पटेल ने इब्राहिम जादरान को आउट कर अफगानी टीम को दूसरा झटका दिया। बुमराह ने हजरतुल्लाह जजाई को 2 रन पर आउट कर अफगानी टीम की कमर तोड़ दी। मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव ने 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत तय की। अंत में बुमराह और फिर अर्शदीप सिंह ने विकेटों की झड़ी लगा दी। भारत ने अफगानिस्तान को 134 रनों पर ऑल आउट कर मैच को 47 रनों से जीत लिया। बुमराह ने मैच में महज 7 रन देकर 3 विकेट लिए। वही दोस्तों, भारत के इस शानदार जीत के बाद इस मैच के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव को उनके 53 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो सूर्य कुमार यादव बेहद ही खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस साल के T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव एकलौते भारतीय बल्लेबाज है जिन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता है। इसीलिए इस बात ने सूर्य काफी भौंक थे, लेकिन इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कुछ किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। सूर्य कुमार यादव ने इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा कि मैं भारतीय टीम के आज के जीत से और अपने प्रदर्शन से बेहद ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम इस T20 वर्ल्ड कप में काफी शानदार प्रदर्शन करती आ रही थी। उन्होंने न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराया है, ऊपर से आज की पिच भी काफी मुश्किल थी और अफगानिस्तान की गेंदबाजी को सब जानते ही है। इस मुश्किल पिच पर वो काफी घातक साबित हो जाते, लेकिन हमारी टीम ने आज बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया। वही सूर्य ने आगे बात करते हुए कहा कि भले ही सभी ने मुझे मैन ऑफ द मैच चुना, लेकिन मेरी राय में इस मैच के असली हीरो तो जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि आज के मैच में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की है। उन्होंने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 7 रन दिए और ऊपर से 3 विकेट भी झटके। यही नहीं बल्कि उनकी 24 गेंदों में 20 गेंद तो डॉट रही थी। ऐसी कमाल की गेंदबाजी मैंने शायद ही कभी देखा है। आज के मैच के असली हीरो तो मेरे लिए बुमराह ही है, बल्कि अब तक हम जीतने भी मैच इस टूर्नामेंट में जीते हैं उसमें जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए मैं अपना ये अवार्ड उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सूर्य कुमार यादव के इस जेस्टर ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपकी राय में असली मैन ऑफ द मैच कौन है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वही दोस्तों, अब भारत के खिलाफ हार के बाद में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो राशिद ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, राशिद खान ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि मैं भारत के खिलाफ इस हार से काफी निराश हूँ, क्योंकि मुझे अपनी टीम पर कॉन्फिडेंस था कि हम ये मैच जीतेंगे, लेकिन भारत ने हमें बुरी तरह से हरा दिया। आज फिर से टीम इंडिया ने साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड क्लास टीम है। मेरे हिसाब से सूर्या भाई ने जो बल्लेबाजी की वो बेहतरीन थी और मैच का टर्निंग प्वाइंट थी। सूर्या भाई की वो पारी हमें काफी भारी पड़ी,
वही बुमराह ने जो गेंदबाजी की उसने हमको मैच में पूरी तरह से बैकफुट पे डाल दिया, क्योंकि पावर प्ले में बुमराह ने हमको दो बड़े झटके दे दिए। बाकी रोहित भाई ने जो कप्तानी की वो भी लाजवाब थी, मैं भी उनसे काफी सीखने की कोशिश करूंगा। बाकी भारत को मैं अपना दूसरा घर मानता हूँ, जिसके वजह से मुझे भारत से हार कर इतना दुख नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम अगले मैच में जरूर वापसी करेगी। तो दोस्तों, राशिद ने भारत पर ये बयान देकर सभी भारतीयों का दिल जीत लिया, लेकिन आपकी टीम इंडिया की इस जीत पर क्या राय है, कमेंट जरूर करें। वही अब टीम इंडिया की इस एक तरफा जीत पर दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले गौतम गंभीर ने कहा, सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह T20 के नंबर एक बल्लेबाज क्यों हैं। उन्होंने कुछ कमाल के शॉट खेले। जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट एक छक्का लगाया वह शानदार था। हार्दिक पांड्या को फॉर्म में देखकर अच्छा लगा और जसप्रीत बुमराह जैसा दुनिया में और कोई गेंदबाज नहीं। ये जीत पूरी भारतीय टीम की जीत है, शानदार एफर्ट। दोस्तों, गौतम गंभीर के बाद पाकिस्तान के शोएब मलिक ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, यह T20 वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। उनके पास हर डिपार्टमेंट में शानदार खिलाड़ी हैं। इस मैच में रोहित कोहली पंत जैसा बल्लेबाज नहीं चला, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला। बेशक इस टीम को कोई नहीं रोक सकता, उनके पास बुमराह जैसा गेंदबाज जो है। शोएब मलिक के बाद दोस्तों इंग्लैंड के नासिर हुसैन ने बड़ा बयान देते हुए कहा, शानदार टीम एफर्ट, हर एक खिलाड़ी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भले ही रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला इस मुकाबले में नहीं चला, लेकिन जिस तरीके से वो गेम में इन्वॉल्व रहते हैं वो शानदार है। सूर्य कुमार यादव से बेहतर दूसरा T20 में और कोई बल्लेबाज नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने शानदार शॉट्स खेले हैं वो लाजवाब है। हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और बुमराह जैसा गेंदबाज इस दुनिया में और कोई नहीं। दोस्तों, नासिर हुसैन के बाद रिकी पोंटिंग ने कहा, भारतीय टीम से काफी कुछ सीखना चाहिए। वो एकजुट होकर खेल रहे हैं। अगर उनका कोई प्लेयर नहीं चल रहा है तो दूसरा प्लेयर चल रहा है। उनका हर एक खिलाड़ी किसी न किसी मैच में परफॉर्म कर रहा है और यही खास बात है इस टीम की। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी शानदार है। जिस तरीके से वो विकेट लेते हैं, जिस तरीके से वो रन नहीं देते हैं। बुमराह एक परिपक्व गेंदबाज हैं। उन्हें पता है कब, कहां और किस सिचुएशन में कैसी गेंदबाजी करनी है। वही दोस्तों, आखिर में एबी डिविलियर्स ने भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही प्रिडिक्ट किया है कि टीम इंडिया इस बार का T20 वर्ल्ड कप जीत रही है, क्योंकि वह शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। भले ही अब तक भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हार जाती हो, पर इस बार मुझे ऐसा लगता है कि वह क्लिक करेंगे। दोस्तों, दुनिया भर के दिग्गजों ने जिस तरीके से भारतीय टीम की तारीफ की है, आपको क्या लगता है इस बार रोहित शर्मा ट्रॉफी उठाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही अब भारत की जीत पर पाकिस्तानी दिग्गजों के बड़े बयान आए हैं। सबसे पहले सोहेब अखर ने बात करते हुए कहा कि मैं बधाई देता हूं टीम इंडिया को जीत के लिए। भारत ने एक बार फिर से बता दिया कि वो वर्ल्ड क्लास टीम है। भारत के पास में इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, जो कि भारत को वर्ल्ड कप जिताने का दम रखता है। बाकी पाकिस्तान की टीम राजनीति के पीछे खराब हो गई, लेकिन टीम इंडिया एकजुट होकर खेलती है, जिसके वजह से भारत इतनी सक्सेसफुल टीम है। वही वसीम अकरम ने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम को भारत से कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से बड़े टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन आज जो बल्लेबाजी सूर्या कुमार यादव ने की वो लाजवाब थी। बाबर और सूर्या के बीच में T20 में नंबर वन की रेस चलती है, लेकिन मेरे हिसाब से T20 में सूर्या के आगे पीछे भी नहीं है बाबर, क्योंकि T20 में सिर्फ रन मायने नहीं रखते, उससे ज्यादा बढ़कर इस फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट होती है, जो सूर्या की कई गुना ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद में शाहिद अफरीदी ने कहा, क्या प्रदर्शन देखने को मिला है भारत से इस बार इस वर्ल्ड कप में। मुझे भारत सबसे बेस्ट टीम है और उसमें सबसे बेस्ट भारत का बॉलिंग अटैक है, जिसके सामने बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी फ्लॉप हो जाता है। खास तौर पर बुमराह जैसा गेंदबाज रोहित के पास में है, जो कि न सिर्फ भारत को एक मैच जिता सकता है, वो टीम को वर्ल्ड कप जिताने का दम रखता है। वही रमीज राजा ने बात करते हुए कहा कि जरूर आज भारत ने इस मैच को जीत लिया है, लेकिन अभी तक इस वर्ल्ड कप में भारत के सामने कोई बड़ी टीम नहीं आई है। मुझे इंतजार है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का। बाकी मेरे हिसाब से इस बार इंडिया सभी टीमों से स्ट्रांग है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर स्लो पिच है और भारत ऐसी पिच पर खेलने के लिए ही जानी जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ बयान थे पाकिस्तानी दिग्गजों के, लेकिन आपकी भारत की इस जीत पर क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।